कृषि कानून पर न सरकार झुकते दिख रही है और न ही किसान, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। किसान लगभग 100 दिनों से देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। उनकी मांग साफ है, कृषि बिल रद्द किए जाएं। लेकिन किसानों की मांग मानना तो दूर, सरकार सवा महीने से उनके साथ बातचीत को ही तैयार नहीं है। इसके बाद अब किसान संगठनों ने भी तय कर लिया है कि बीजेपी को हर जगह मात देने की जरूरत है। तो क्या है किसानों की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानून पर अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी बंद है। किसानों के आंदोलन को 100 दिन होने को हैं और पिछले 40 दिनों से सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी नहीं हुई है। सरकार का इशारा साफ है कि हमें आपके आंदोलन की चिंता नहीं है, लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया कि वो सरकार को हर कदम पर चिंता में डालेंगे। किसान संगठनों ने कहा है कि 5 राज्यों में जहां जहां भी बीजेपी मजबूत होगी, वहां किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। वो लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट न दिया जाए, क्योंकि बीजेपी जब हारेगी तभी किसानों की बात सुनेगी। इसके साथ किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। वो हर उस राज्य में जाएंगे जहां बीजेपी का आधार हो। भारतीय किसान यूनियन के बलबीर एस राजेवाल ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल और केरल में चुनावों के लिए अलग अलग टीमों को भेजेंगे। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से अपील करेंगे कि वो उन उम्मीदवारों को वोट दें जो भाजपा को हरा सकते हैं। इसके साथ ही किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करते हुए 6 मार्च को कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करने का ऐलान भी कर दिया है। 6 मार्च को किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस दौरान केएमपी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम रहेगा। किसानों ने अपने आंदोलन को और व्यापक बनाते हुए अब इसमें निजी उद्योग और सार्वजनिक संस्थानों को भी शामिल कर लिया है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी और किसान सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करके सरकार का विरोध करेंगे। हरियाणा से आने वाले 3 केंद्रीय मंत्रियों को उनके गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। 5 मार्च को कर्नाटक से MSP दिलाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा, जबकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। DB Live की रिपोर्ट।